भोपाल से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी आलोक शर्मा 6 मार्च से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे। शर्मा ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि गांधी परिवार ने परिवारवाद थोपकर देश की जनता के साथ अन्याय किया है, अब कांग्रेस का पप्पू न्याय यात्रा निकाल रहा है। भोपाल से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी आलोक शर्मा ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बैरसिया और सीहोर को भी मेट्रो ट्रेन से जोड़ा जाएगा। इस दौरान शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस का पप्पू अब न्याय यात्रा निकाल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। गांधी परिवार पहले ही देश के साथ अन्याय कर चुका है, देश की समस्त जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। देखिए, चुनाव की लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं और पार्टी ने मेरा टिकट घोषित किया है। लगातार भोपाल संसदीय क्षेत्र से सभी हमारे कार्यकर्ता हमसे मिलने आ रहे हैं, हम उनसे संवाद कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, शुभकामनाएं ले रहे हैं, उनको बधाई भी दे रहे हैं। चुनाव में पूरे मनोयोग के साथ तैयारी से चुनाव को लड़ना है, उनसे संवाद भी कर रहे हैं। परसों हमारा 6 तारीख है, 6 तारीख को मेरा बैरसिया से प्रवास प्रारंभ हो रहा है, वहाँ पे हम दर्शन भी करेंगे रावली माता मंदिर के और इसके बाद हमारे संगठनात्मक तक बैठ के चालू होंगे। देखिए, आज तो देश में कांग्रेस कहीं चुनौती नहीं है, कांग्रेस का पप्पू न्याय यात्रा निकाल रहा है और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने खुद और उनके परिवार ने, पप्पू के परिवार ने खुद परिवार बात थोप के गांधी परिवार ने देश की जनता के साथ अन्याय किया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।